हेलो गाइस, आपसे का स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो इस वीडियो में बात करने वाले गाइस हम एक नए इवेंट के अंदर जो फ्री फायर के अंदर आ गया है उसमें आपको कुछ आसान से सवालों का जवाब देना है और आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हो इवेंट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट सेक्शन में सेकंड नंबर पे ये वाला इवेंट आ रहा है, ब्लड ट्रायल पार्टी ट्रायल एंड अन रिवॉर्ड्स। और इसमें आपको कुछ सवालों के जवाब देने और आपको ऐसे ऐसे ये सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। और 100 स्कोर करने पे आपको पेट फूड मिलेगा, 200 स्कोर करने पे आपको ब्लड मून बॉक्स मिलेगा, और 270 स्कोर करने पे आपको ब्लड बेड सर्फ बोर्ड मिलेगा। प्राइजेज इतने खास तो नहीं है लेकिन जब भी फ्री किया है तो फ्री का बाल अच्छा ही होता है, तो इस पर आप जरूर खेलेंगे। अब बात करें इस इवेंट पीरियड के बारे में, तो इवेंट पीरियड के बारे में तो कुछ भी नहीं दे रखा है लेकिन ये डेली आप खेल सकते हो ये वाला। और इस पर आपको एक ही दिन में 270 स्कोर नहीं हो पाएंगे, आपको डेली करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 दिन तो इसको खेलना पड़ेगा, तब जाके आपको 270 स्कोर होंगे और आपको ये बैट मिलेगा। हर एक सही सवाल का जवाब देने पर आपको 10 स्कोर मिलेगा और गलत जवाब देने पर 0 स्कोर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपनी पिछली आईडी पे भी खेला है और देखते हो सवाल सेम आएंगे या अलग आएंगे। अगर सवाल सेम आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको आंसर क्या दे रहा है। व्हाट डज द पी ऑर्डर फॉर ब्लड डेबर ईपी स्टार। तो पहला सवाल थोड़ा अलग आया लेकिन ये उसके अंदर भी आया था। इसका आंसर 928 है, तो ये वाला जवाब मैंने दे दिया। चलिए अब अगले सवाल पे देखते हैं। व्हाट इज द मेन कलर ऑफ ब्लड डैमर ईपी। इसका आंसर रेड है, तो ये पिछले वाले की तरह सेम सवाल है लेकिन ऑर्डर अलग आया है। तो हु इज फ्री फायर द यूएस करेक्टर सो फार। तो फ्री फायर का सबसे नया करेक्टर सो फार कौन सा है वो भी अभी देख लेते हैं। तो इसका आंसर था मैक्सिम, तो हम मैक्सिम पे क्लिक करते हैं और ये मैक्सिम ही सही जवाब है। तो मैक्सिम इन समय नया था। हु हैज एन क्रश ऑन कैली, कैली पे किसको क्रश है वो भी मेरे ख्याल से मैक्सिम को ही है, और हाँ मैक्सिम ही है। नेक्स्ट करते हैं अब। और हु इज़ फ्री फायर ओल्डेस्ट करेक्टर सो फार। इसके जवाब मैंने पहले एंड्रू दिया था लेकिन इसका सही जवाब जोसेफ है। मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट इसका मतलब है बूढ़ा, सबसे बूढ़ा करेक्टर जोसेफ है। तो हमने जोसेफ पे क्लिक करा, हमारे 50 स्कोर हो गया। हर साल का जैसे सही जवाब देने पे आपको 50 स्कोर मिल रहा है। हु वेर इज ई ब्लड रेवेज पीक डे। पीक डे क्या है वो 929 है। इसका जवाब पता नहीं क्या है लेकिन 929 है इसका आंसर। व्हाट शुड आई डू इफ समवन यूजिंग ए थर्ड पार्टी प्लग इन। इसका जवाब है टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिपोर्ट टू द कस्टमर सर्विस। तो ये अभी इवेंट एक्सपायर्ड हो गया, यहाँ पर लिखा रहा है देखिए 7 सवाल हो गए आपको, डेली 7 सवाल हो गए और एक दिन में आप 70 पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो। 4 दिन के अंदर आप इस इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो लेकिन अगर आपके बीच में एक या दो सवाल गलत हो गए तो आपको 5-6 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर इवेंट एक्सपायर्ड पर क्लिक करते हो। 70 पॉइंट में अभी आप कुछ भी रिडीम नहीं कर सकते, आपको रोज़ इस पर कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और रोज़ आपको 70-70 पॉइंट मिल सकते हैं अगर रोज़ 7 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हो जैसे इसके सवाल आए मैं उन पर वीडियो बना दूं कि सही सवाल कौन से है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं रोज़ डेली सुबह इनके सवाल आते ही मैं वीडियो बना दूंगा, सही सवाल आपको और सही जवाब आपको बता दूंगा। ओके गाइस, आपको ये नया वाला इवेंट कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पहले दिन पे आपने कितना स्कोर कर लिया वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके गाइस, वीडियो का अंत देखने के लिए जोरदार क्लैपिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप चाहते हो मैं ऐसे ही आपके लिए काम की वीडियो लाता रहूँ और आप सबसे पहले देख सको तो बेल आइकन दबा दीजिएगा गाइस, ऑल पे नोटिफिकेशन कर दीजिएगा गाइस। ओके गाइस, बाय बाय। नाइट वर्ड भैया एक अच्छा सा आउटो तो लगा रहा बनता है यार।